of Fahrenheit Ma. So you're here for the event, yeah? You're here for the show. So how excited you are? Really excited. आज रात को Club Fahrenheit में performance है और मैं देखता हूँ सब लोगों से और वन ऑन वन मिलने का मौका मिलेगा. मोस्टली आपको मैसेजेस आते हैं, जैसे मतलब आई गेट मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स नेपाल से. तो फिर आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो. पर अभी मौका मिला है मुझे, जितना आप लोगों को मुझसे मिलने का मौका मिला है उतना ही मुझे आप लोगों से मिलने का वन ऑन वन मौका मिला है. तो बहुत खुश हूँ. सो हाउ एक्साइटेड you know you get when you travel out of your country, international tour, international concert, how excited you get? I get really excited. और सबसे कमाल की बात है कि जब आपको जब आप एक नया टेरिटरी में जाते हैं तो आपको कुछ नया जानने को मिलता है. यहाँ जैसे मैं आया, फॉर एग्जाम्पल somebody just sang कुछ कुछ होता है, तो फिर आपको पता चलता है आपका कौन सा गाना कौन सा, जैसे बिजली की तार मुझे सुनने को मिला यहाँ बहुत पॉपुलर है. तो एक वो जो नया चीज़ आपको जानने को मिलती है, तो शायद वो जो कि ट्रेंड हमारे कंट्री से थोड़ा अलग हो सकता है. जैसे यहाँ अगर बिजली की तार ज़्यादा बड़ा हिट है तो मे बी इंडिया में यारी है ज़्यादा बड़ा है. तो यू गेट टू नो दैट और वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है. So how do you feel when you know people from Nepal or any country, they just send love to you and they just sing and dance in your song? How do you feel personally? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये कि लेकिन भले ही हम boundaries से अलग हैं, हमारे you know पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ये देश वो देश, पर जो टैलेंट है टैलेंट का कोई बाउंड्री नहीं है. टैलेंट कहीं का भी टैलेंट तो उसको सलाम है मेरा. इनफैक्ट जब नेपाल का मैं वो वीडियो देखा बिजली की तार है पे, तो ऐसा नहीं कि इंडियन वीडियो तो मैं शेयर करूँगा. जहाँ का टैलेंट अच्छा लगेगा, तो मुझे बहुत अच्छा उन लोगों का टैलेंट लगा एंड दे डांस सो वेल. इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं थैंक यू बोलूँगा और दोबारा बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा डांस कवर किया, तो उसके लिए थैंक यू. और आई फील रियली ग्रेट कि जब दुनिया भर में आपके गाने पहचाने जाते हैं और उन पर डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं और लोग गाते हैं कवर करते हैं उसका, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. और मेरे लिए और बड़ी बात हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ उन गानों को गाता नहीं हूँ, वो गाने मेरी क्रिएशन होते हैं, वो मैंने बनाए हुए लिखे हुए और मेरा मेरे बेबीज होते हैं. तो आई फील रियली रियली सैटिस्फाइड. She performed there and the show was a massive hit. There was a lot of crowd, so I think people will definitely love you as they did for Neha. Yeah, so because Neha is a super sensational, she's a massive star, and she's so inspiring and she inspires me as well, because Neha ne jo achieve kiya as an artist wo बहुत ही मैजिकल और बहुत आसान नहीं है, सबसे मुश्किल. आई थिंक पीपल गेट कनेक्टेड टू हर एज वेल, लाइक नॉट एज अ पर्सन दे गेट कनेक्टेड विद नेहा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो ओके, सो व्हाट डिड शी से व्हेन शी जस्ट यू नो गेट गॉट टू नो दैट नेहा ने, हाँ मुझे मेक श्योर किया नेहा ने, जैसे ही वही मैंने आपको बताया कि जैसे ही पता चला कि नेपाल जा रहा हूँ तो नेहा ने बोला पशुपतिनाथ जरूर जाना, दर्शन करके आना, दिवाली का टाइम है जैसे आज धनतेरस है. तो इससे बहुत ही मैं खुश हूँ और लक्की मानता हूँ अपने आप को. मैंने इसके दिन दिवाली के दौरान मैं यहाँ आया और दर्शन हुए. सो व्हाट डिड शी से अबाउट द क्राउड, अबाउट द इवेंट एंड द क्राउड? वो नेहा इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द लव शी गेट्स फ्रॉम देयर. और उसको नेहा को नेपाल से बहुत प्यार मिलता है और नेहा हमेशा बोलती है और इनफैक्ट मतलब उसकी वैल्यू भी है उसको, सी लव दैट. एंड इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोग आज शाम को इवेंट पे आएंगे और गाने एंजॉय करते हैं ऑलरेडी. तो इट मेक्स अस प्राउड कि यू नो हमें नेपाल से इतना प्यार मिलता है. सो आई वुड आस्क यू दिस, द कांताबाई सॉन्ग योर रिसेंट रिलीज, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इन दैट सॉन्ग. व्हाट वाज एग्जैक्टली द कंट्रोवर्सी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. क्या होता है कि जब आप कोई भी काम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अगर वो काम पहुंचता है तो उसके बहुत तरह से बात होती है. तो उसमें दे थॉट दैट यू नो शी इज़ अ मेट, बट हमने दिखाया नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं उसमें बर्तन नहीं धो रहा होता, उसमें मैं बर्तन धो रहा हूँ.
वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था दैट कांताबाई इज़ अ वेरी फेमस पॉपुलर नेम इन महाराष्ट्र. तो जो नॉन महाराष्ट्रियंस हैं उनको लगता है कांताबाई मीन मेड, पर उसका मतलब मेड बिल्कुल भी नहीं है. जैसे जलेबी बाई गाना था, जलेबी बाई गाना में वो मेड तो नहीं है, और फिर उसको सब उसके लिए गाना गा रहे हैं और उसके यू नो. तो वो लव इंटरेस्ट भी है मेरा, और अगर वैसा नहीं होता तो मैं उसमें मतलब मैं नहीं होता. एंड वो सब बात ले रही है समझे सर. हाय बोल दीजिए ना. हेलो. So how much familiar are you with Nepal, like Nepali food, Nepali culture? How much you are familiar with this? मुझे बहुत सारे लोग नेपाल से भी हिंदुस्तान में हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, तो उनसे भी बहुत यू नो नेपाल के बारे में सुनने को मिलता है. और नेपाल सबसे पहले तो मुझे जैसे मैं यहाँ आया तो मुझे वो गमछा और वो टोपी टोपी जब हाँ वो जब मिला तो मुझे वो बहुत क्यूट लगा और बहुत मैंने फिर उसे पहन लिया और मुझे बहुत पसंद आया. और आई होप मैं और भी जगह उसको पहनूंगा, डेफिनेटली पहनूंगा. यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ. So yesterday we've heard that when you just came out of airport and you gave the media bike, so people from media or you know the team, organizer team, they said that you're very humble, very gentle, very cool person. Are you like this in a person, or it's just like the camera is in front of you until you became like this, or you're in person so easy? मैं ये बोलता हूँ कि जो जैसा होता है वो बहुत देर तक वैसा अगर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो they were literally shocked when they found you in that you know soft nature. You were so easy and you were so sweet with all of them, so they said like really he's so cool and that. मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, और ये अभी आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब है. अभी हम सारा टीम आप भी साथ थे, अभी हमने लंच साथ किया है, कैमरा ऑन नहीं था. हम 1.5-2 घंटे से पूरे 10-12 लोग साथ हैं, एक साथ लंच किया है. आपको कैसा फील हुआ? No, you, I just totally loved you, literally. बस तो फिर आपने जवाब दे दिया, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं. No, I was asking on behalf of every that person. हाँ जी, क्योंकि उनको नहीं पता. तो ऐसा ही होता है ना कि जब आप अब आम जिंदगी में लोगों से मिलोगे और बताओगे कि टोनी मिला था और टोनी ऐसा था, तो वो मुझे लगता है उस वर्ड ऑफ माउथ में बहुत पावर होती है. वो 100 लोगों तक पहुँचता है. तो इवेंचुअली आप जैसे हो वो पता चल जाते हो. उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार गलत इमेज भी पोर्ट्रे हो जाती है. किसी को एरोगेंस भी लगता है कि अरे बड़ा एरोगेंट है, पर वो शायद नहीं हो. पर कमाल की बात है कि विद टाइम अगर 5 साल 7 साल 10 साल करियर मेरा रहा, अगर भगवान जी ने चाहा तो लोगों को पता ही चल जाएगा. और मुझे लगता है इन सब चीज़ों का ज़रूरत भी नहीं है, एरोगेंस का या एक जो उस तरह के नेचर का, क्योंकि इवेंचुअली तो हम वन ऑन वन अगर ह्यूमन कनेक्ट ही नहीं कर पाए, इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, तो बेकार है. तो फिर ये सब स्टारडम, ये सब गाने, ये सब बेकार हैं. क्योंकि इन काम से भी बड़ा, इस किसी भी फेम से भी बड़ा इंसानियत है. मुझे ये फील होता है 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट विजिट इन नेपाल, राइट? सो आई होप यू विल कम अगेन एंड अगेन एंड परफॉर्म फॉर योर नेपाली फैंस. और एल्स नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू शुड कम ऑफ्टन एंड विजिट नेपाल. सो बिसाइड्स पशुपतिनाथ, अभी हम शॉर्ट ट्रिप पे हैं, जैसे कि सबको पता ही है दिवाली की वजह से जल्दी वापस जाना पड़ रहा है. और दिवाली है और घर पे जाके मॉम डैड भी वेट कर रहे हैं कि मैं जाऊँ. तो अगर किसी और ओकेजन पे आया होता तो ज़्यादा रुकता. और फिर हमारे जो भी टीम हैं, सब भाई लोग यहाँ पे नेपाल के जो भी हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने मुझे और बताया होता तो मैं और भी जगह डेफिनेटली एक्सप्लोर करता. पर अभी थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस. सो एट लास्ट व्हाट डू यू हैव टू से.